सबसे सब एक एक करके बोलेंगे, आप भी बोल देंगे, अब तू तू टिकटॉक वीडियो करना बना रहा है, सीधा एक बुलडोजर आ रहा है, टिकटॉक मत बना करो गला काट तू। अरे मेरे लूलू मैं ठंड न मानू, तुर्की की दादी आने वाली है आप लोगों के बीच। गाइस पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ कोहरा आ रहा है घर में अंदर से ना, इसमें सारा जाली मसाला। नहीं ये कितनी खुश है कोहरा देख के बच्चे की तरह। और विक्की हमें विक्की कोहरा दिखा रहा है, पर विक्की ने गेट बंद नहीं करा जाके। मम्मी देखो यहाँ, देखो यहाँ का हीटर चल रहा है पूरा, जन्नत है सुंदर सी जगह, कोई नाच लगा सा जन्नत में खड़ा होकर नाच थोड़ा सा, टिकटॉक मत बना करो यार, इसके की बातें पता नहीं बताएगा नहीं, पर नहीं बताएगा ये पूरा भक्त हुआ क्यों आएगा, हमें क्या हो गया, जब भी आवे अगर आके यहाँ खड़ा हो जाए, इसको बिस्किटों से पेट नहीं भरता, खाली है ना सुबह से, तीन चार खाली है, ऐसा फूल रहा बंपर की तरह, बंपर से जबरी जबरी है जबरी। गाइस आप देखो कितना कोहरा हो रहा है आज, और यही छोटू अभी ऑस्कर को घुमा रहा है, मैं शीशा फोन करा है भाई तो ऑस्कर को लेके आ जा, इतना कोहरा हो रहा है उसे ठंड लग जाएगी, तो उसे ना अब हम जा रहे हैं यूपी में घुमा रहे हैं पार्किंग में, और ये बाबू आ गए बेसमेंट में, बाबू ऐसे लग रहा है पिंक पहन कर ऐसे स्कर्ट पहनी हुई बाबू ने, बाबू तो लड़की है, बाबू हम कहा आए हैं बेसमेंट में, बाबू बेसमेंट में बहुत खुश रहता है, बाबू मैं भाग रहा हूँ ऐसे भागता है, ये वैसे लगता है इसका फेस एक एनिमल का ना सील सील जैसा, शाबाश धीरे से दिखा दे शीरो को रुलवाने एक बार, शीरो थोड़ा पास को अबे के शीरो ले अबे के, तू मम्मी को दिखाइयो, तू दिखाइयो मम्मी को उल्टा, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी मेरी माँ। और शाही भाभी चुपचाप देखते रहे, क्या करो तुम बचाया ना तुमने बुआ को, कहने कब हुआ उनकी भी हिम्मत ना तो बैठे सामने, पर आंटी सुनो विक्की है ना वो विक्की टिकटॉक के नाम से चिढ़ता है, तो ऊपर जाके उसको यही बोलना है कि भैया बस टिकटॉक वीडियो नहीं बना रहे, तो देखेंगे वो क्या बोलेगा, मेम आंटी तुम भी हो, ममता आंटी आ रही है, रुक जाओ ममता आंटी सुनो, दोनों को पूछना है, मैं विक्की को बुलाऊंगा, ये पूछना है कि भैया आप टिकटॉक नहीं बनाते, छोटू अभी मैं थोड़ी देर में विक्की को लाऊंगा मेरे पास, थोड़े से पता क्या पूछना है कि भैया आप टिकटॉक नहीं बनाते, क्या बोलेगा भैया जी यार टिकटॉक नहीं बनाते हो, और क्या हुआ आप मुझे देख के चौंक क्यों गए, मैं इससे ही करके नहाना है, मैं पूरी जा रहा ना आज, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, ठंडों में कोई डेली डेली नहाता होगा खाना बंद करो इसका, डेली डेली खाते भी ना हो, नीचे आ गई ना तो भैया भी आते भी ना, मैं विक्की के साथ वीडियो बना रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ चोर छेड़ने के लिए, चलो तो अब आप भी शामिल हो जाओ, अभी उसे बुलाएंगे तो आप सबसे सब एक एक करके बोलेंगे, आप भी बोल देंगे, अब तू टिकटॉक वीडियो करना बना रहा है, लोग उसके साथ क्योंकि कुछ हो गया वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है मैं सबसे बुलवाऊंगा, वो बहुत चिड़ेगा एकदम, हाँ सब आ जाओ सब एक एक करके बोलना, आओ यार ये हाँ सबको बुला लिया फिर, एक दो तीन चार, और उन्हें समझा भी तो क्या बोलना है, उन्हें समझा तो क्या बोलना है आंटी अरे तेज मत बोलो ज्यादा, हाँ छोटू कहाँ, अरे भैया मम्मी की तो मैं तो एक दो को बुला रहा था, मम्मी की पूरी टीम आ गई, एक दो तीन चार पाँच छ, पूरी छह की टीम है, सब जा रहे हैं और ये भी खड़ा है, सब जा रहे हैं करण को छेड़ने, ये मम्मी की जरा पूरी टीम आई है किसी काम, विक्की से कुछ बात करने,
अपलोड रखे ये पूरी टीम मम्मी की। विकी अब तू टिकटॉक वीडियो क्यों नहीं बनाता भैया? अब आप टिकटॉक वीडियो क्यों नहीं बना रहे भैया? आप क्यों नहीं बना रहे टिकटॉक राजा? आप टिकटॉक वीडियो क्यों नहीं बना रहे भैया जी? टिकटॉक वीडियो क्यों नहीं बना रहे आप भैया जी? आप टिकटॉक वीडियो क्यों नहीं बनाते? सुसाइड भैया करण एक मीटिंग में गया था कहीं और वहां पे ना इसको देख के वो जो बिजनेसमैन आए हुए थे बड़े बड़े विकी क्या बोले वो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन हर तरीके हर लेवल के। एक ने मेरे से पूछा और कैसे चल रही टिकटॉक वीडियो गला काट अगर यूट्यूब या कुछ बोलते तो ठीक है तो भी जाता पर टिकटॉक के नाम से तो मुझे भी बड़ी हिट अरे अरे ये भी कह रहा है दे मम्मी पूरी आर्मी लेके आई है अपनी मेरी आर्मी विकी बाबू को क्या खिला रहा है? रेड वाली चूस्टिक। इसने क्या खा ली सुबह से? तीन तो बिस्किट खा लिए और अब ये चूस्टिक खा रहा है चौथी। और ये कैल्शियम वाली बोन चटोरा बहुत बड़ा चटोरा है ये विकी दे दे रो, अच्छा रो रो के ले लेगा इस चीज को तो मतलब इतना तकड़ा ब्रेकफास्ट मैंने नहीं देखा किसी का। बाबू की आवाज ऐसी है बाबू का भाई देखिए देखिए को डांस नहीं देखा भाई बहुत दिन से डांस में यार होने की उधर से कलामंडी भी नहीं देखी कलामंडी देखा तो आज कलामंडी देखा तो यार भाई इसके ऊपर ही मत मारी रख मैंने बहुत दिन से कलामंडी नहीं खाई देखिए तेरे पाई खा लूंगी मैं इधर इधर विकी भाग के चला गया कि मेरे ऊपर ही ना गिर जाए जब तिरछी मारोगी तो मेरे ऊपर ही आओगी सीधी चीरो रहने चीरो दब जाएगा चीरो पे लो 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 सिरो का करवा दो ढोंग सिरो के आए सिरो का ना बैठी सीधे सो के सिरो मम्मी क्या करनी है मैं कल फिर खाऊं मैं फिर कलम दिखाऊं फिर मम्मा सिरो क्या हो रहा है सिरो का क्या कर रहे हैं छोटू देखो छोटू ने हमारे ने एक सबक दिया रखी इधर को आ जा ये तुम्हें सबक मिला अभी हां तो आज छोटू ने हमारे ने इन बच्चों को दोनों की चीज सिखाई है छोटू बता शादी होने के बाद टेंशन ही टेंशन है और खर्चा बहुत सारा है अब छोटू पता है खर्चा तो छोटू ने अब मुझे नहीं समझ में आया ये सारा दिया है कि भाई उस टेंशन को मैं झेल रहा हूँ तुम झेलो तो बता दो कमाना खड़ा गवा के लिए बस। तो शादी कैंसिल कर दो कर दूंगी कहाँ है हटिए सुन तो नहीं सब जो उनकी होने वाली है बाय सावधान करो ये फंस गया सबसे पहले हो खुद सावधान अभी ये तो हो ही ना मेरे साथ होगा धोखा इन्हें तो पता पर आप तो नहीं करना धोखा अनिकेत को करनी चाहिए ना ओ तू तो गया बेटे हाँ इधर भी और दे ये तो कंटिन्यू काम करे ये तो पैसे निकाल ले निकाल लेगा काम करे कंटिन्यू वो तो निकाले भाई ये तो निकाल सके तो ये पास इधर भी थोड़ा थोड़ा पास आधा आधा 50-50 है 50-50 पूरा पूरा मैं भी 2 दिन पहले ऑफिस गया 2 घंटे को चेक करने गए थे लैपटॉप वगैरह पुराने तो ना है नहीं खरीदने के लिए छोटू मैं भी गया 2 घंटे को गया पूरा छोटू ने ये बता दे खर्चे करवाना क्या होगा लैपटॉप चेक करने का छोटू तुम मेरा दोस्त ना आपसे मैं छोटे को खिलाफ हूँ मैं छोटे तू उठा दी तू मुझे उधार दे देगा या नहीं कितना तू वैसे पूरा दुनिया को देवे अरे छोटा पिछले जन्म का साहजी छोटू ने पता मम्मी छोटू ने अपने सारे रिश्तेदार माला माला करे हुए हैं डेली आए भैया आज यहाँ डाल दो आज वहाँ डाल दो आज मामा आए हुए आज नाना आए फिर छोटू को छोटू को पूरा छोटू को उल्टा मैंने समझाया शादी होने वाली है जोड़ ले मत दे उधार
एक दिन छोटे ने मेरे से हिसाब लगवाया, बोले कैसे जा जोड़ियों 15 जो तीन ऐसे करके 15 मिनट ने जो दिमाग आंख बंद करके हिसाब लगाया, हिसाब आया 80,000 का। मैंने क्या होगा इसमें मेरे पे है छोट तू हर तैने भी ना दे रखा है, बता तो 80,000 तो उधार है ऐसे लोगों पे। एक बात तो बता, इतने उधार तो तूने भी ना दे रखा अभी तक, तो छोटू 80 में से फिर मुझे कितना देगा अगर मैं निकलवाऊं तो? अमीर आदमी देखा नहीं, पहली बात तो निकल गए, आधे ले लेना। हाँ, छोटू शादी छोटू तो खुद शादी में लगाना, किसी को उधार तो ना देगा फिर? अब तो मैंने क्लीन हिसाब कर दिया, अब किसी को भी नहीं देना है। और जो दिया है वो लेगा कब? क्रॉस कर दिया है भाई, जो दिया है वो कब लेगा? छोटू का चेहरा ऐसा लगा सीरियस सा है। सुनो मैं आसपास कर रुक जा, तो मुझे भी चलना, मैं तुम्हारी वजह से यहां लेट हो गई 2 घंटे। तुम्हारा काम अलग है, मेरा काम अलग है यार। छोटे शादी में तो हो शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, क्या बोल रही है? छोटा छोटा बेटा हो जाएगा, छोटा हमारे पास ही आएगा 14 मार्च को। अरे मार्च हम दावत में जाएंगे है भाई, वाह बहुत बिजी हूँ आजकल, काम में अपने भैया क्योंकि नहीं गया, चल गए बहुत सारे अरे इसलिए अब तुम अपने काम को संभालो, मैं अपने को संभालो। ठीक है चलो, मैं तुम्हारे आसपास करूंगा लूलू वाला डांस। लूलू वाला डांस करूं ना तू? तो होगा, मैं भी जा रहा हूँ ना, मैं तो जा रहा हूँ, तू होगा परदेश जाके, परदेशिया भूल ना जाना भी होगा। भूलन कौन देगा? भूल तो भूलोगे जब, मैं भूल दूंगी। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, ना भूलने भी मत दे भाई, और मैं भूलूंगा भी नहीं, मैं भूलना भी नहीं चाहता। जय हो मेरे पिताश्री। चलो मैं बहुत गजब डांस करूंगी शाम को इस वाले पे, लूलू वाले पे। हम लेट कर दिया, हो जय हो। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं भम्मू डॉन। देखो देखो डांस रही है, कैसे गाने गाती रहो मेरे लिए, मेरे आज तेरे इस गाने को तू। चलो हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट तो मैंने दिया ही ना बहुत दिन से, रुक रुक पकड़े ये। कुछ चाहिए क्या? ना चाहिए तो लाओ, मम्मी का ये देखो, इसे देखो, इसका मैं रूप दिखाती हूँ आज, यहाँ आ जा तू। मम्मी का HDFC कार्ड मेरे पे। सुनो ये इसे ठंड लग रही है, यहाँ ठंड लग रही है, यहाँ भी ठंड लग रही है, ठंड खा नहीं लग रही। अरे मेरे लूलू ठंड न मानू, मानी है लंदन में, मानी है तेरे जैसे ठंड न मानी किसी ना। अरे मेरे लूलू की जगह आप आएगा, अरे मेरे चोंचलू ये ठंड लग कर। ओ शिरो डंडी अंकल के हाथ में डंडी है, बीच में आ जाओ अंकल, मुझे दिखा मैं अनिकेत शिरो डंडी आ गया, चलो अभी लेके तोड़ देगा, चल अंदर चलो। तो भाई आज जा रहे हैं हम एम्पोरियो शॉपिंग करने, क्योंकि मेरे को काफी दिन हो गए जो मतलब इसी वाला DLF से आ जाती हूँ मैं, एम्पोरियो नहीं गई हुई, तो आज जा रहे हैं एम्पोरियो DLF, वहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग होने वाली है। मैं कुछ रिकी की कराऊंगी, करण का बर्थडे आ रहा है, करण के बर्थडे के लिए कुछ देखते हैं कि क्या मिलेगा। वैसे करण तो अपने बर्थडे पे कहाँ जा रहा है, सरप्राइज खोल दूँ? नहीं अभी अभी नहीं, वो सरप्राइज ही है, कार्ड मेरा ले गया, वहाँ भी ले गया, अब मेरा कार्ड नहीं जाएगा, कार्ड दे दो पहले। क्या बॉल आ गया लेके? अब पे है ना दो कार्ड, दोनों में से 3 है, चार तू मेरा दे दे। 3 है? हाँ वो होता है 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, एक और दो ना ला है कुला देना, निकाल दे।
पिछली बार मैं पता क्या मैं भूल गई और यही मेरा कार्ड लेके चला गया, फिर वहाँ आराम से शॉपिंग कर रहा है। मैं तो जब देख रही हूँ मैसेज मुझ पर कैसा आ रहा है, क्योंकि मैं तो कहीं जा नहीं रही, जब पता चली मैसेज कहाँ से आ रहा है। मैंने बता दिया था आपको? नहीं बता तो दिया, हाँ ऐसा तो नहीं है बता दिया, पर एक बार बताने वाला काम ही क्यों करे, देख जाता मेरा जिसकी चीज उसके हवाले। बात तो सही है, पीछे को देख ले, मुड़ जा, आप मेरी मम्मी हो, आपके कार्ड वार्ड सब मेरे हैं। मुड़ 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 रुकी मुड़ मुड़, ये ले लो लेक्सस, यहीं रोक के। अरे मान जा, लेक्सस में आ जाएंगे इतने लोग, फिर मैं रिकी को वही सभी तो गुणगान गाते आऊंगी कि रिकी ने मुझे कुछ शॉपिंग कराई है, बता क्या करा सका है। इधर देख के है, इधर को देख के बोल ला, किस फरमाना दिलवा दूंगा टॉफी वॉफी कुछ। सुशी खानी है ना आपको, सुशी खाने जा रही हो? हाँ। मैं कर दूंगा उसका बिल। अच्छा मत कर, सुशी का मैं कर दूंगा। तो मैं भी मुझे लूलू लूलू गाना गा रहे थे, खुद ने जैकेट उतार दिया। उतारू कैसा है, उतर भी ना रही है। एक मिनट पकड़, फोन लगे जाने। तो एक ना मैं अपनी सास की बात याद दिला रही हूँ, मतलब बच्चे छोटे छोटे थे, रिकी भी ऐसा होगा, रिकी ऐसा होगा मतलब 1-1.5 साल का, ठीक है, और बच्चे मतलब सारे छोटे छोटे थे। और एक बार क्या हुआ कि जो एक हमारे साइड में ही रहती हैं अम्मा, वो थ्रेडिंग कराने गई, मतलब वो कराती होंगी पहले से ही, तो वो करा रही, तो हमारी जो सास ही वहाँ गई हुई, तो वो कह रही अरे मैया मुझे तो मतलब यूं देख के हंसी आवे कि भोप ऐसे भी बाल कैसे कटवा रहे हैं, देखिए तो ऐसी, अरे देखे मुंह आया का लाल पड़ गया। अरे कैसी वो कटवा रही है, देखिए प्रियांशा की दादी गई थ्रेडिंग कराने। तो वो कराती होंगी पहले, जिस आदत होती है होती है, और हमारी सास कभी नहीं कराती। तो ये देख देख कचम्मा हो रहा है, यहाँ कहीं बाल उड़वा रही है। अम्मा की करवा दो, मैं सोच रही थी अम्मा को ले जाओ, इन वाली को कल आ रही है ना, तो इन्हें पार्लर पे ले जाएंगे। मतलब कुछ मजेदार चीजें सोचो, और कल हमारी चाची आ रही है, तो आप कल के ब्लॉग में इसे कल ही डाल देंगे, कल के ब्लॉग में कमेंट्स करें, बताएं कि हमारी जो चाची आ रही है गांव से, जो अम्मा आती है, आप सब लोग जानते हैं, कि उनसे क्या क्या रोल करवाएं, या किस किस चीज में कौन सी रील बनवाएं उनसे, कमेंट्स करें बताएं, या ब्लॉग में ले जाएं तो क्या क्या चीज उनसे करवा सकते हैं, मॉल ले जाएं तो क्या करवाएं, आप कमेंट्स करें और बताएं, हम अपनी चाची से मजे मजेदार चीजें कराएंगे। ये रही हमारी अम्मा चाची, ये पता ना किसके यहाँ कर रही है। मुझे लगा कोई आदमी ऐसा बिग लगा के ना, चप्पल पप तो सब फैल गई, कम पड़ गई जगह, तो मैं लेके क्या बैठी हूं, और मुकुट भी लगा रखा है। ये नहीं, ये देखो भोंगी अम्मा, मैं तो झोंग कर रही है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें ऐसी कर देती है कि आदमी को खुश बहुत कर देती है। रिकी की दादी आने वाली है आप लोगों के बीच।